महाराष्ट्र पुलिस ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पनवेल से एक 25 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक पर बच्चों के अश्लील वीडियो अपलोड करने और बेचने का आरोप है। ये कार्रवाई तब हुई जब कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की ओर से एक शिकायत दर्ज की गई। जब ये सामने आया कि सोशल मीडिया ऐप पर कोई अश्लील वीडियो बेच रहा है, तब आरोपी पीयूष सतीश मोरे पुलिस के घेरे में आया। पुलिस ने कस्टमर बनकर पूरी रणनीति के साथ इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की और तब जाकर आरोपी गिरफ्तार हुआ। इसमें मैं खास प्रशंसा करना चाहूँगा कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन का, जिन्होंने हमें अपने कंसल्टेंट्स एक्सपर्ट्स भी प्रोवाइड किए, साथ ही साथ उन्होंने इंटरपोल के साथ हम लोगों की टाई अप कराया, जिससे कि आईकमैक ऑर्गेनाइजेशन के तहत हमें आईका कॉप्स टूल भी मिला, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन इंटरनेट क्रॉलर है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी और मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रेन के केसेस को ऑटोमेटेड वे में आइडेंटिफाई करता है और हमें उसके अलर्ट्स देता है। इन्हीं प्रावधानों के तहत हम इस केस को डिटेक्ट कर पाए। पुलिस ने एक मोबाइल फोन, एक मेमोरी कार्ड और दो सिम कार्ड जब्त किए, जिनमें अश्लील वीडियो मौजूद थी। पुलिस को एहसास हुआ कि एक बड़ा ऑनलाइन रैकेट का मामला है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल को तकनीकी रूप से भी सहयोग कर रही है। वो सभी प्लेटफॉर्म जैसे कि डार्क वेब या टेलीग्राम पर अगर कहीं बच्चों के यौन शोषण से जुड़े वीडियोस के बारे में पता चलता है तो फाउंडेशन उसकी हर जानकारी साइबर सेल तक पहुंचाता है। इसके अलावा फेक अकाउंट बनाने वालों की पहचान सामने लाने में भी कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन पुलिस की मदद करता है। हमारा मानना है ये पूरा जो सिस्टम है, ये तीन एरियाज में हम इसको देख सकते हैं। एक तो है कि अवेयरनेस एंड डिटरेंस, दूसरा है डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग, तीसरा है रेस्पॉन्स एंड सपोर्ट। एएसईएफ लॉ एनफोर्समेंट को इन तीनों एरियाज में सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, इन द फॉर्म ऑफ जैसे कि हम हार्डवेयर देंगे, सॉफ्टवेयर देंगे, ट्रेनिंग देंगे, किस तरह से इस चीज को इस्तेमाल किया जाए। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की मुहिम जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड की ये कोशिश है कि यौन शोषण और बलात्कार से पीड़ित छात्रों को बिना देरी किए न्याय दिलाया जा सके। आपका सहयोग इस मुहिम को काफी आगे ले जा सकता है, क्योंकि हर बच्चे की जिंदगी अहम है।